बेसिल यानी तुलसी, जिसे दुनिया भर में इसकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के गुण हैं। इंडियन कल्चर में इसे सभी प्लांट में से सेक्रेड माना जाता है। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लव ऑफ विष्णु। विष्णु की पूजा तब तक इनकम्प्लीट मानी जाती है जब तक उन्हें तुलसी ना भेंट की जाए। इसे देवी का रूप माना जाता है और इसीलिए इंडिया में हजारों सालों से इसकी पूजा होती आ रही है। तुलसी को घर के आंगन में रखना शुभ माना जाता है। कहते हैं ये उस घर के परिवार को किसी भी तरह के बुरे प्रभाव से बचाती है। इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ हर्ब्स। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इस तुलसी में ऐसे ऐसे गुण है जिसका और किसी भी प्लांट से कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इसीलिए इसे द मदर मेडिसिन ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इस हर्ब को एक पॉट में लगाकर आप आराम से घर में रख सकते हैं। कहते हैं इसे घर में रखने से ही उस परिवार के सदस्यों का इन्फेक्शन, कोल्ड, कफ और वायरल इन्फेक्शन से बचाव रहता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो इस हर्ब में स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होने के कारण जब लोग सुबह शाम इसकी पूजा करने इसके पास आते हैं तो इसकी सुगंध और आसपास की प्योर हवा जब वो इनहेल करते हैं तो इन्फेक्शन से होने वाली काफी सारी बीमारियों से उनका बचाव हो जाता है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होने के साथ साथ बहुत सारे बेनिफिशियल कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसमें विटामिन ए, सी, ई, के और फॉलेट्स यानी बी विटामिन्स भी काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मिनरल्स लाइक मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी ये एक अच्छा सोर्स है। इन सब प्रॉपर्टीज के होते हुए तुलसी को एक बेमिसाल पौधा माना गया है। बहुत से लोग तुलसी की पत्तियों को चबाकर खाते हैं ताकि इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज का पूरा फायदा ले सके और चुस्त फुर्त रह सके। तुलसी एंटीबायोटिक की तरह काम कर अलग अलग बुखार को ठीक करने में सक्षम है। तुलसी की कोमल पत्तियों को उबाल कर पीने से डेंगू और मलेरिया बुखार से बचाव रहता है। तेज बुखार होने पर एक चम्मच तुलसी पाउडर और 1/3 पार्ट बिग कॉडमन पाउडर, इनको आधा लीटर पानी में उबाल कर काढ़ा बना ले और इसे दिन में 2-3 बार पिए। इसमें आप दूध और चीनी मिलाकर भी ले सकते हैं। तुलसी में जर्म्स को खत्म करने की प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण वायरल इन्फेक्शन से हमारा बचाव रहता है। ये जो हमारा छोटा सा प्यारा सा दिल है ना, इसे नाराज मत होने देना। अगर ये नाराज हो गया तो हमारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए वो सब खाएं जो इसको खुश रखे, इसको हेल्थी रखे। तुलसी में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट इजनॉल होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और ब्लड से कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। खाली पेट तुलसी की कुछ पत्तियां रोज चबाने से या तुलसी का पानी पीने से हमारे दिल संबंधित बीमारियों का खतरा कम होता है और हमारा दिल खुश रहकर ठीक से काम करता है। तुलसी के पत्ते एसेंशियल ऑयल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरे पड़े हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंसुलिन स्टोर करने और रिलीज करने वाले सेल्स की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल कम होता है। इसीलिए तुलसी को डायबिटीज को ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव माना जाता है। हाँ, इसे बहुत अधिक क्वांटिटी में ना खाएं, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को तेजी से कम करती है, जिससे बॉडी में वीकनेस भी हो सकती है और ब्रेन की फंक्शनिंग पे भी असर हो सकता है। तुलसी में रेस्पिरेटरी सिस्टम की वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के अद्भुत गुण है। इसके एसेंशियल ऑयल्स कंजेशन को ठीक कर यानी बलगम को बाहर निकाल एकदम से राहत देते हैं। ये हर तरह के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंचाइटिस, चाहे वो क्रोनिक हो या एक्यूट, उनको ठीक करने के काबिल है। इसीलिए तो सभी कफ सिरप्स में इसे यूज किया जाता है। तुलसी की कोमल पत्तियों को दिन में 2-3 बार चबाने से या इन्हें पानी में उबाल कर काढ़ा बनाकर शायद मिक्स कर लेने से खांसी और जुकाम में राहत मिलती है। तुलसी की पत्तियों को उबाल कर पानी पीने से गले की खराश में आराम मिलता है। तुलसी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स और एसेंशियल ऑयल्स न केवल लंग्स की इन्फेक्शन को ठीक करते हैं बल्कि लंग्स की कंजेशन को भी ठीक करते हैं। और तो और ट्यूबरक्लोसिस, स्मोकिंग और लंग कैंसर के कारण होने वाले लंग डैमेज को ठीक करने में भी ये काफी इफेक्टिव मानी गई है। इसके एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के कारण ये टीबी जैसी खतरनाक बीमारी को भी ठीक करने में मददगार है। सर्दी, जुकाम या ठंड से बचने के लिए तुलसी की 10-12 पत्तियां दूध में उबालकर पीने से काफी आराम मिलता है। तुलसी में पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इसीलिए किसी भी तरह का सिर दर्द, चाहे वो माइग्रेन हो, साइनसाइटिस, कोल्ड कफ या हाई ब्लड प्रेशर के कारण तुलसी के पत्तियों का काढ़ा पीने से एकदम से रिलीफ मिलता है। तुलसी डिटॉक्सिफायर भी है और ड्यूरेटिक भी, यानी ये यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती है जिससे बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल कम होता है।
यूरिक एसिड अधिक होने से किडनी स्टोन बनता है। ये यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर किडनीज को क्लीन करने में मदद करती है। तुलसी में पाए जाने वाले कॉम्पोनेंट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स किडनी स्टोन को डिजोल्व करने में हेल्पफुल है। तुलसी का जूस शहद में मिक्स कर 6 मंथ तक लेने से यूरिनरी ट्रैक से किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद करता है। तुलसी हमारे इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बढ़िया है। ये हर तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ से होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। स्टडीज में ये भी पाया गया है कि ये HIV और कैंसर सेल्स को रोकने में मददगार है। ये तंबाकू चबाने के कारण होने वाले कैंसर को रोकने में भी फायदेमंद है। तुलसी में खून पतला करने की प्रॉपर्टीज होती है। जो लोग ऑलरेडी ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हो उन्हें इसे अवॉइड ही करना चाहिए या फिर अपने हेल्थ एडवाइजर से कंसल्ट करके खाना चाहिए। सर्जरी के कुछ दिन पहले या सर्जरी के बाद ना ही खाएं तो अच्छा। इसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी अवॉइड ही करना चाहिए। तुलसी लीव्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर आई केयर। तुलसी की पत्तियों वाले पानी से आंखों को धोने से वायरल, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आराम मिलता है। तुलसी में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड्स मेमोरी लेवल और ब्रेन पावर को इम्प्रूव करते हैं। तुलसी के हाई एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन AC के कारण इसे रेगुलरली खाने से मोतियाबिंद एज के साथ नजर का कम होना और आंखों में सूजन आने जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। तनाव से आजकल हर कोई परेशान है, लेकिन तुलसी में ऐसे कंपाउंड्स हैं जो तनाव को कम करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग स्मोकिंग से छुटकारा पाने के लिए इसे बेहतरीन माना गया है। लोग अक्सर तनाव मुक्त होने के लिए सिगरेट पीते हैं, और जो लोग स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं वो कुछ पत्तियां तुलसी की अपने पास रखें और जब भी स्मोकिंग की अर्ज हो उन पत्तियों को चबाएं। ये गले को ठंडक देगी और इन्हें चबाने से स्मोकिंग की अर्ज नहीं होगी। इसके साथ साथ सिगरेट पीने से जो ऑलरेडी हेल्थ डैमेज हो चुके हैं उन्हें भी ठीक करने में मदद मिलेगी। इंडाइजेशन जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए तुलसी की पत्तियों को उबाल कर काढ़ा बनाकर उसमें चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर पीने से फायदा होगा। इसके एंटी स्ट्रेस एजेंट्स नर्व्स को रिलैक्स कर ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं। जिन लोगों का स्ट्रेस लेवल काफी हाई रहता है, अगर दिन में वो 2-3 बार तुलसी की पत्तियां चबाएं तो उनका स्ट्रेस लेवल कम होगा। इसमें डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण ये हमारी ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये एक माउथ फ्रेशनर की तरह काम करती है और मुंह के बैक्टीरिया को खत्म कर बैड ब्रेथ, प्लाक, डेंटल कैविटीज और मुंह के अल्सर से छुटकारा दिलाती है। इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज गम्स को स्ट्रेंथ देती हैं, जिससे गम्स की दांतों पे पकड़ मजबूत होती है और हमारे दांत सुरक्षित रहते हैं। इस पवित्र तुलसी में ब्लड को प्योरीफाई करने की पावरफुल प्रॉपर्टीज हैं। इसे खाना या स्किन पे लगाना दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है। इसे खाने से ब्लड से टॉक्सिन्स कम होते हैं, जिससे स्किन पे ग्लो आता है और हमारे बालों पे चमक आती है। इसके ब्यूटी बेनिफिट्स इतने हैं कि तुलसी को बहुत से हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की एंटीबैक्टीरियल और प्योरीफाइंग क्वालिटीज बहुत सारी स्किन डिजीजेस से हमारा बचाव करती है। एक्ने, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, एक्जिमा से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के पत्तों को खाना और उसकी पेस्ट को अफेक्टेड एरिया पर लगाना दोनों ही बेनिफिशियल है। तुलसी की कुछ पत्तियों को पानी में उबाले और फिर उस पानी को ठंडा होने दे और उससे अपना फेस वॉश करें। इससे न केवल पिंपल्स खत्म होंगे, स्किन स्मूथ होगी और स्किन पे ग्लो भी आएगा। रिंगवॉर्म्स और ल्यूकोडर्मा यानी सफेद दाग जैसी प्रॉब्लम्स को खत्म करने में भी ये काफी इफेक्टिव। इन केस ऑफ बर्न्स तुलसी और कोकोनट ऑयल की इक्वल क्वांटिटी मिक्स करके जले हुए पार्ट पर लगाने से दर्द में काफी आराम मिलता है। तुलसी और बेसन की पेस्ट बनाकर फेस पे लगाने से दाग धब्बों से और एक्ने से छुटकारा मिलता है। स्किन यंगर, स्मूथ और ग्लोइंग नजर आती है। इसके अलावा बालों की समस्याओं को दूर करने में भी तुलसी काफी फायदेमंद है। तुलसी पाउडर को कोकोनट ऑयल में मिक्स करके स्कैल्प पे लगाने से खुजली से काफी आराम मिलता है और बालों का टूटना कम होता है। तुलसी की पेस्ट बनाकर आप डायरेक्टली भी स्कैल्प पे लगा सकते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों के सिर से जुए निकालते निकालते थक गए हैं वो तुलसी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी का तेल लाइस यानी जुओं से छुटकारा दिलाता है। जिस प्लांट में इतने सारे गुण हो उसे भला कैसे ना पूजा जाए। ऑलमोस्ट हर पार्ट तुलसी का हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया है। इसे फ्रेश, ड्राई या पाउडर फॉर्म में भी खाया जा सकता है। तुलसी के फ्रेश पत्तों को डेली एंजॉय कर सको उसके लिए बेहतर होगा कि आप घर में ही किसी पॉट में उसे लगाएं। ड्राई की जगह फ्रेश लीव्स को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा फायदेमंद है। इनके फ्रेश लीव्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप ड्राई लीव्स और पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
उसमें विटामिन सी और कैरोटीन कम मात्रा में रहता है। तुलसी लीव्स को फ्रेश रखने के लिए आप इन्हें कुछ दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। ड्राई लीव्स को आप एयरटाइट कंटेनर में डालकर ड्राई, कूल और डार्क प्लेस पे कुछ महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। माना जाता है कि तुलसी की कुछ पत्तियां हर रोज चबाने से हम अपने आप को डिजीज फ्री रख सकते हैं। तुलसी में मरकरी अच्छी मात्रा में होता है, इसलिए इसे अधिक क्वांटिटी में चबाने से हमारे दांत खराब हो सकते हैं। इस केस में आप पत्तियों को चबाने की जगह इसका काढ़ा बनाकर ले सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं और इसके एक्सट्रैक्ट को भी यूज कर सकते हैं। इसके इतने सारे गुणों को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे कि सारी की सारी केमिस्ट शॉप इसमें समाई हो। सो आप भी इस हर्बल केमिस्ट शॉप को अपने घर में रखें और बीमारियों से मुक्त रहें। स्टे हेल्थी, स्टे ब्लेस्ड।